हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में, विच यू कैन बाय अंडर 5000 रुपीस। सस्ते से लेकर महंगे सारे कीबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंडर 2000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट से, जिसमें सबसे पहला कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट की ओर से, उनका CBGK26 WANT। ये कीबोर्ड आपको 1800 रुपीस का देखने को मिल जाएगा, जो आपका फुल साइज कीबोर्ड है। इसमें आपको OTEMU के रेड स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ ही में ये कीबोर्ड आपका रेनबो LED बैकलाइट के साथ आता है। बात करें दूसरे कीबोर्ड के बारे में, जो इसी कीबोर्ड का TKL वर्जन है, कॉस्मिक बाइट का CBGK26 PANDORA। ये भी आपका 1800 रुपीस का कीबोर्ड है, एंड इन दोनों कीबोर्ड्स के आपको ब्लू स्विचेस वाले वर्जन भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप उन कीबोर्ड्स के साथ भी जा सकते हो। बात करते हैं थर्ड कीबोर्ड के बारे में अंडर 2000 रुपीस, जो है एंटी स्पोर्ट्स की ओर से, उनका MK1300 Mini। ये जो कीबोर्ड है, ये आपका 60% कीबोर्ड है। इसमें भी आपको OTEMU के रेड स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, एंड ये भी आपका रेनबो LED बैकलाइट के साथ आता है। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो एंटी स्पोर्ट्स का MK1300 Mini आपको आराम से 1750 रुपीस का देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अंडर 3000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला कीबोर्ड है रेड ड्रैगन की ओर से, उनका K551, जो आपका फुल साइज कीबोर्ड है, OTEMU के रेड स्विचेस के साथ आता है, एंड इसमें आपको रेनबो LED देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो ये कीबोर्ड आपको 2700 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा। एंड इस कीबोर्ड का आपको एक फुल्ली RGB वाला वर्जन भी मिलता है, लेकिन वो आपका 3000 रुपीस का है। अगर आपको चाहिए तो आप उस कीबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। अब रेड ड्रैगन की जो क्वालिटी होती है, वो इस सेगमेंट के और अदर ब्रांड से थोड़ी सी बढ़िया होती है, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स की प्राइस औरों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बात करें दूसरे कीबोर्ड के बारे में, जो इसी कीबोर्ड का आपका TKL वर्जन है, एंड वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस बजट कीबोर्ड है, जो है रेड ड्रैगन का कुमरा K552। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो अभी के टाइम पे K552 थोड़ा सा सस्ता चल रहा है। ये आपको अभी 2300 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा। बात करते हैं थर्ड कीबोर्ड के बारे में, जो है CBGK32 Themis कॉस्मिक बाइट की ओर से, जो आपका 60% कीबोर्ड है। इसमें भी आपको OTEMU के रेड स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो कीबोर्ड है, ये आपका फुल RGB के साथ आता है, मतलब कि पर की RGB, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो अपने फीचर्स के हिसाब से ये कीबोर्ड आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिल जाता है, जो है खाली 2300 रुपीज़। बट अगर आपको थोड़ा सा वाइट कीबोर्ड चाहिए एंड 60% फोम फैक्टर वाला चाहिए, तो आप रेड ड्रैगन के K617 फेस के साथ जा सकते हो, जो आपका वाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसमें आपको स्वैपेबल रेड ड्रैगन के ही रेड स्विचेस देखने को मिलते हैं, एंड ये भी आपका रेनबो RGB के साथ आता है। एंड अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, तो रेड ड्रैगन का ये कीबोर्ड आपको 2700 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंडर 4000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट के बारे में, जो है ज़ेब्रोनिक्स की ओर से, उनका ZebMax Chroma। अब ये जो कीबोर्ड है, ये आपका फुल साइज कीबोर्ड है, जिसमें आपको रिस्ट रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड ये भी आपका रेनबो RGB के साथ आता है, एंड इस कीबोर्ड में आपको ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो ये कीबोर्ड आपको 3800 रुपीस का देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट सेगमेंट के बारे में, जो है अंडर 5000 रुपीस। अब इस सेगमेंट में एक ही कीबोर्ड मुझे ढंग का लगा, जो है रेड ड्रैगन की ओर से, उनका K530 Pro Draconic, जो आपका 60% कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आपको हॉट स्वैपेबल ब्राउन स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, एंड ये कीबोर्ड आपका वायर्ड वायरलेस दोनों के साथ आता है, एंड वायरलेस में भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक ब्लूटूथ और दूसरा डोंगल। एंड ये जो कीबोर्ड है, ये आपका फुल्ली RGB कीबोर्ड है। एंड अगर हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें, तो ये आपको 4800 रुपीस का देखने को मिल जाएगा। तो ये थे बेस्ट कीबोर्ड्स अंडर 5000 रुपीस। अपनी प्राइस के हिसाब से सारे के सारे कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया हैं, बट मैं तो बोलूँगा, अगर आप एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो, तो आप अंडर 3000 रुपीस से 3500 रुपीस वाले कीबोर्ड ही बाय करो, क्योंकि उनसे महंगे वालों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको रेड ड्रैगन K530 जैसे फीचर्स वाला कीबोर्ड चाहिए, तब आप ले सकते हो। नहीं तो सस्ते कीबोर्ड लो, उन्हीं को यूज़ करो, और जब मन भर जाए तो न्यू कीबोर्ड लेने से बढ़िया उन्हीं को अपग्रेड कर लो, मॉड कर लो। ज़्यादा आलसी मत बनो, थोड़े बहुत मॉड से ही सस्ते कीबोर्ड भी काफ़ी बढ़िया बन जाते हैं। तो नया कीबोर्ड लेने से बढ़िया ये करो, और अगर महंगा लेना ही है, तो अपना बजट बढ़ा के थोड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ जाओ, जैसे कॉर्सियर हो गया, रेजर हो गया, लॉजिटेक हो गया। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो उस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एंड सारे कीबोर्ड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आप अमेजोन से कुछ बाय करना चाहते हो, तो उसका भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाकर बाय करना। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।